नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हिमाचल से बड़ी जानकारी आपको दे दे, हिमाचल में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक के बाद एक राज्यों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है और ये सख्त कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आप लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सरकार इसलिए सख्ती दिखा रही है और बड़ा कदम हिमाचल में भी उठाया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 500 का आंकड़ा छू रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीज। और इसे देखते हुए बड़ा फैसला, दक्षिण यानी कि केरल से पहला मामला सामने आया था और अब पहुंच गया है नॉर्थ ईस्ट तक यानी कि उत्तर पूर्वी तक। मणिपुर से आज पहला केस कोरोना का सामने आया है, पहला पॉजिटिव मामला कोरोना का। आप समझ सकते हैं कि कोरोना किस तरह से अपने पैर पसार रहा है और इसी को देखते हुए सरकारें सख्त होती जा रही है। दिल्ली में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग लॉकडाउन को छुट्टी की तरह ले रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। आपसे अपील करते हैं कि आप गंभीरता को समझें, देखें किस तरह की स्थिति देश में पैदा हो गई है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, हिमाचल प्रदेश में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी रंजना, बिल्कुल जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि अब कोई भी राज्य जो है किसी भी किस्म का चांस नहीं लेना चाहता है, हर राज्य अपने स्तर पर बड़ी कड़ी सुरक्षा करना चाहता है, कड़ी इंतजाम करना चाहता है। और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश ने भी जो है इंतजाम कर दिए हैं, उसी कड़ी में उसने कर्फ्यू लगा दिया है पूरे राज्य में। और उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी वो है, बड़ी स्थिति है और सरकार को इससे निपटने के लिए, अब जब सरकार इस तरह की कठिन कदम उठा रही है तो ऐसे में आम नागरिक का भी दायित्व बनता है कि वो पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ ध्यान में रखे और चीजों को सोचे और सरकार का साथ दे। जी ललित, अब तक कितने राज्यों में कर्फ्यू लग चुका है? जी रंजना, अभी तक तकरीबन 5 से ज्यादा राज्यों में कर्फ्यू लग चुका है, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। और खबर ये आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वो यूपी में भी कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। जी ललित, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यूपी के सभी जिलों को लॉकडाउन कर दिया था, क्या दोबारा से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? जी रंजना, ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि बहुत बहुत वैसी खबरें हैं, लेकिन जो जिस तरह की जानकारी अभी हिमाचल प्रदेश से निकल कर आई है, ये यूपी वाली जानकारी उतनी कुछ नहीं है। लेकिन पता चल रहा था कि ऐसी जानकारी आ रही थी कि यूपी में भी शायद वो स्थिति की जा सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से नहीं कहा है तो उस पर सरकार अब शायद विचार करेगी बाद में और उसके बाद ही कुछ इस तरह का ऐलान किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए।